ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमेशा दुखी रहने वाले, हमेशा परेशान रहने वाले, उनके जीवन में परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे जातकों को आज ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। जब कभी भी किसी भी जातक की जीवन में इस तरह की परिस्थितियां बहुत दिनों बहुत महीनों से चल रही है, तो सीधा सा संकेत, एक बहुत ही टू द पॉइंट जो संकेत है, वो आपकी कुंडली में शनि और राहु दोनों खराब स्थिति में। शनि और राहु जब दोनों खराब स्थिति में हो तो जातक के जीवन में कभी भी सुख नहीं आता है। अब ऐसी परिस्थितियों में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर, अगर मैं जो बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ उन्हें सही कर लेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो दुख आप हमेशा झेल रहे हैं, हमेशा दुखी परेशान रहते हैं, इससे आप बाहर आ जाएंगे। सबसे मूल बात होती है कि जब राहु बहुत ज़्यादा इंडिकेट किसी व्यक्ति को करता है, तो बहुत ज़्यादा वो सोचना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो सोचने पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हद तक रोक लगानी होगी, कम सोचे, छोटा सोचे। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, तो बहुत सारे डर मन में बना लेता है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ राहु का एक भ्रम जाल है, जिस भ्रम जाल में आप फंस चुके हैं, और उसका निकलने का सिर्फ एक ही सरल तरीका है, कम सोचें। बार बार प्रैक्टिस करके ही आप कम सोच सकते हैं। अपनी सोच को अपने गुरु मंत्र की तरफ डाइवर्ट करें, अपने इष्ट मंत्र की तरफ डाइवर्ट करें। अगर नहीं है कोई मंत्र, गुरु मंत्र, तो नमः शिवाय का जाप करें, और खुद से झूठ न बोले। दूसरी बात है, शनि सबसे ज़्यादा व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है, और स्वयं से झूठ बोलने पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट होती, इसलिए आप खुद के प्रति उतने सच्चे रहें जितना आपको होना चाहिए। जब खुद के प्रति आप सच्चे रहेंगे, तो शनि संबंधित जितने सारे विकार हैं उनसे आप धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। हनुमान जी की सेवा करने से भी शनि के विकार खत्म होते हैं, लेकिन आप खुद के प्रति जब तक ईमानदार नहीं रहेंगे, खुद के प्रति जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होगी। तो ये शनि का एक बहुत ज़्यादा इंडिकेट करने वाली जो बात है, जो किसी भी जातक के जीवन में तकलीफ आती है। अब खुद के प्रति ईमानदार रहने की बात को थोड़ा सा लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हम खुद चीज़ों को स्वीकार नहीं कर रहे, जो हमें कमियाँ हैं उन्हें स्वीकार करें, उन्हें सही करने की कोशिश करें, यह खुद के प्रति ईमानदारी। अगला वीडियो में बनाऊंगा इस पर वो विस्तार से, इन बातों को भी आप समझें। ओम नमः शिवाय।